सो गाइस, हमें रूम मिल चुका था। हमने सुबह 4 बजे हमें रूम मिला था। फिर हम थोड़ी देर आराम करके फ्रेश होके फिर निकल गए थे घूमने। तो आप रूम की हालत देख सकते हैं। पहले मैंने सूट नहीं किया, उसके बाद ही मैं सूट कर रही हूँ। तो उसके बाद हम निकल गए थे घूमने, बिल्कुल भी टाइम नहीं था हमारे पास। और ये मैं हूँ जो कि मैं तैयार और रूम फैला पड़ा है एकदम। क्या बैठे हैं गाड़ी का इंतजार? तो गाइस, हम लोग यहाँ चेन्नई में हैं और ये देखिए ये स्टेशन है मेन चेन्नई के से पीछे। और ये देखिए हम लोग अभी आए चाय पीने, और अभी हम लोग चाय पियेंगे यहाँ से। हम लोग चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं। हम लोग जाएंगे अभी घूमने, गोल्डन बीच जाएंगे, अभी गोल्डन बीच जाएंगे, फिर आपको वहाँ मिलेंगे। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं घूमने और फिर रास्ते में आपको मिलेंगे। ये स्टेशन है और हम लोग ने स्टेशन के पास ही होटल लिया है ताकि हम लोग को हम लोग जा रहे हैं मरीना बीच, फिर मैं आपको वहीं मिलूंगी सीधे। और ये देखिए यहाँ की ट्रैफिक बहुत ही जबरदस्त है। हम लोग ऑटो से जा रहे हैं। जनरल हॉस्पिटल, और ये जनरल हॉस्पिटल है चेन्नई का फेमस हॉस्पिटल, ये वाला राजीव गांधी। सो गाइस, हम लोग यहाँ आ गए हैं मरीना बीच। ये देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं। गर्मी बहुत है, अभी मैं अपना फेस कवर कर लूंगी। ऑटो वाला बोल रहा है कि बैक साइड क्या बोल रहा है। वाटरमेलन आसी मम्मी, और यहाँ गर्मी बहुत है, हालत खराब है यहाँ पे। नीचे बहुत रेता है और चलने में दिक्कत, पैर चल रहे हैं। सो गाइस, ये थी जो बीच में जाने से पहले जो साइड साइड में जो छोटी मोटी जो दुकानें लगी होती है ना वहाँ की लोकल सामान की, ये वही दुकानें थी। तो बस मैंने ऐसे ही सूट कर लिया, बाकी मैंने इसमें इधर से कुछ नहीं लिया क्योंकि ऐसा कोई मतलब था ही नहीं लेने का, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। फिर हम इसको पार करने के बाद हमारा बीच आता है, तो चलिए फिर चलते हैं।
गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मरीना बीच और ये देखिए दूर दूर तक सिर्फ रेता ही रेता है और इसमें खड़े होने में पैरों की तो वाट लग गई, एकदम पैर जले जा रहे हैं। पानी में ये रखे रहना मेरा है। तो फिर चलिए पास चल के देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहे वीडियो के साथ, चलते हैं। और गर्मी बहुत है, इसी पर एक लाइक कर दें। देखिए गाइस दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी, मतलब रेता दिख रही है अभी, फिर पानी समुद्र आगे। हम लोग एक बार और आ चुके इधर, तब यहाँ हम लोग को घोड़ा भी मिला था, हॉर्स, तो हम उसमें बैठे थे, लेकिन वो तो हम लोग हिंदी में बोल रहे थे और वो तमिल समझता है तो आगे नहीं बढ़ रहा था। तो चलिए फिर चलते हैं, जब मैं पूरे समुंदर के पास पहुँच जाऊँगी तब आपको वहीं मिलती हूँ सीधे। यहाँ चलने में बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सर रेते ही रहते और पैरों में ना बहुत जल रहा है। मैंने जूते तो पहने नहीं, चप्पल पहन के आई थी, जूते खराब हो जाएंगे ना, हमें सांस फूल गई। तो चलिए गाइस फिर वहीं मिलते हैं आपको सीधे बीच पर। गाइस हम लोग बैठ गए, मेरे पैर एकदम दर्द हो गए थे, बहुत तेज चलती थी बंदा, तो मैं बैठ गई ठंड। और फिर जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इधर हर तरह के स्टॉल होते हैं फेस फ्राई वाले ये, और है समुंदर इस साइड बहुत ज़्यादा लग रही है गर्मी, पैरों में की बैंड बज गई मेरे। ये सामने है समुंदर, ये हम बीच पे आ गए, पास से जाके अभी आपको दिखाएंगे। हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर, पानी से ठंडक एकदम। गाइस हमने ये लिया है यहाँ पे पकोड़े, ये अनियन पकोड़ा और ये मिर्ची पकोड़ा एंड अनियन पकोड़ा, मगर गर्म बहुत है अभी। ये देखिए यहाँ सब टाइप के पकोड़े बनते हैं, ये आलू वाले जो मैं भी खाऊंगी, और ये आप भी आइएगा। आलू के पकौड़े और यहाँ ठंडा ठंडा पानी, गरम बहुत है। हम बीच के किनारे आ गए हैं, चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है पास से। और मैं थोड़ा लेट आई, खा रही थी ना, मम्मी लोग पहले आ गए। ये देखिए दूर दूर तक पानी ही पानी है। डेंजर है, गहरा है, डेंजर है मामी। मेरे पीछे गाइस आप देख सकते हैं कितना पानी पानी है। हाँ कितने तरह तरह ये वाली है वो तलपिया यहाँ पर हो रही है फिश फ्राई, और ये देखिए अब यहाँ की फिश खा के देखेंगे। जब भी आए तो ये खा के देखें। दुकान का नाम है फिश स्टॉल एसके।